क्या आप पार्लर जाने की सोच रहे हो? सोच रहे हो आपके फेस में बहुत ज़्यादा ग्लो आ जाए, बहुत ज़्यादा खर्चा करने से आपके फेस में बहुत ज़्यादा ग्लो आ जाएगा, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा गोरा बन जाएगा, ऐसा आप सोच रहे हो तो फ्रेंड्स थोड़ा रुको। आज मैं आपके साथ जो रेमेडी दिखाऊंगी, ये रेमेडी फ्रेंड्स पार्लर का हजारों गुना आपको रिजल्ट दिलाएगा इंस्टेंटली। फ्रेंड्स मैं आज वो रेमेडी आपके साथ लेमन के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये रेमेडी फ्रेंड्स इंस्टेंटली स्किन को ब्राइट बनाता है, ग्लोइंग स्किन दिलाता है, स्किन को क्रिस्टल क्लियर बना देता है। इस रेमेडी को यूज़ करना बहुत ईजी है और लगभग सब कुछ इस रेमेडी में मैंने जो भी जोड़ा आपके घर पे रहता ही है। ऐसा रेमेडी आपको मैं आज बना के शेयर करने जा रही हूँ। कभी भी आप पार्टी में जा रहे हो या फ्रेंड्स आप किसी भी फेस्टिवल में एडिट करना चाहते हो या फ्रेंड्स आपको शादी होने वाला है उससे पहले आप पार्लर जाना चाहते हो तो उससे पहले इसे इस्तेमाल करो। आप पार्लर जाके जो भी खर्चा करोगे वो खर्चा बचा के रखो, उसके बाद जहाँ पे भी घूमने जा रहे हो वहाँ पे खर्चा करो, वो काम में आएगा। पर इसे आप घर पे कर लेते हो तो फ्रेंड्स पार्लर से भी हजारों गुना आपको बेनिफिट दिलाएगा इंस्टेंटली। तो ये आपके स्किन टोन को लाइटन करता ही है और परमानेंटली भी फ्रेंड्स आप गोरे होते रहते हो। स्किन को उनको लाइटन करते करते आपके स्किन को फेयर बना देता है, क्योंकि लेमन फ्रेंड्स एक नेचुरल ब्लीच होता है जो आपको नेचुरली स्किन को ब्लीच करके फेयर बनाते जाता है, स्किन का दाग धब्बे को मिटाते जाता है। और फ्रेंड्स इसे आप इस्तेमाल करोगे तो आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। हम लोग ज़्यादातर जो बाहर का कॉस्मेटिक या प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं या पार्लर जाते हैं वो सभी को सूट भी नहीं कर सकते। तब का तब शायद आपके फेस गोरा लगेंगे, पर बाद में जाके आपको स्किन फिर से डल हो जाएगा और पहले जो डार्कनेस था उससे भी ज़्यादा डार्क आपके स्किन बन सकते हैं। ऐसा बहुत सारे के साथ हो भी रहा है, तो ऐसा मत करो, ऐसा रिस्क ना लेके आप ये लगा लो। तो चलिए अभी मैं दिखा देती हूँ इसे बना के भी और इसे अपने फेस में लगा के भी। लगाने के तुरंत बाद आप देख पाओगे स्किन फ्रेंड्स मेरे 1 से 10 शेड तक लाइटन हो जाएंगे। ये फेस पैक मैन टू मैन वेरी करेगा, किसी का 1 शेड भी लाइटन हो सकता है, किसी का 10 शेड भी, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें लेमन हम लोग जोड़े हैं जो एक नेचुरल ब्लीच है और लेमन तो फ्रेंड्स हर किसी के घर पे रहता ही है। तो चलिए अभी मैं दिखा देती हूँ इसको बना के भी और अपने फेस में लगाते भी। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर दें, शेयर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ बेल बटन को भी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट वाला वीडियो भी आप देख पाओ। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। जैसे कि हम लोग फ्रेंड्स बोले हैं लेमन इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है, तो फ्रेंड्स आपको लेना है लेमन। 1 चम्मच लेमन का जूस आपको इसमें ऐड करना है। लेमन में भरपूर मात्रा में विटामिन सी रहता है जो आपके स्किन टोन को लाइटन करने के लिए हेल्प करता है, स्किन का दाग धब्बे को मिटाने के लिए हेल्प करता है। लेमन एक नेचुरल ब्लीच का काम करती है, इंस्टेंटली फ्रेंड्स आपके स्किन टोन के 1 से 3 शेड तक तो लाइटन कर ही देता है। तो लेमन को लेना है आपको 1 चम्मच लेमन का जूस। उसके बाद फ्रेंड्स इसके साथ आपको ऐड करना है 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी फ्रेंड्स हर कोई जानता है हम लोग के स्किन को इंस्टेंटली ब्राइट बनाने के लिए हेल्प करता है, स्किन का धूल मिट्टी को रिमूव करने के लिए हेल्प करता है। तो ये फ्रेंड्स बहुत अच्छा रहता है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी जुगों से चला आ रहा है स्किन को फेयर बनाने के लिए, स्किन का गोरा बनाने के लिए मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल बहुत जुगों से चला आ रहा है। तो मुल्तानी मिट्टी के सिवा तो ये बन ही नहीं सकता, तो मुल्तानी मिट्टी भी आपको 1 चम्मच इसमें जोड़ना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स इसके साथ आपको जोड़ना है 1/2 चम्मच चावल का आटा यानी राइस फ्लोर, और उसके बाद इसमें आपको थोड़ा थोड़ा मिल्क जोड़ के इस फेस पैक को मिक्स करते जाना है, एक थिक फेस पैक बनाते जाना है। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग जोड़े हैं चावल का आटा। चावल का आटा आपके स्किन का डेड सेल को रिमूव करने में हेल्प करेगा, आपके स्किन को ब्राइट और फेयर बनाएगा। और मिल्क में फ्रेंड्स रहता है स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज, ये आपके स्किन को फेयर बनाने के लिए हेल्प करेगा। उसके साथ ही साथ आपके स्किन को मॉइस्चर दिलाएगा, आपके स्किन का जो पीएच बैलेंस है उसे बैलेंस में लाएगा। तो थोड़ा थोड़ा मिल्क जोड़ते जाओ और इसे मिक्स करते जाओ। अभी मिल्क किसी को फेस में सूट नहीं करता है, तो फिर सर मिल्क के सिवा आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो फिर मिल्क की जगह आप रोज़ वाटर जोड़ के इस फेस पैक को बना सकते हो। बहुत ही इजी सा रेमेडी है पर बहुत असरदार है। तो ये देखिए मेरा रेमेडी बन चुका है माय फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा बन चुका है। अभी चलिए मैं इसे अपने फेस में लगा के भी आपको दिखा देती हूँ इसका इंस्टेंट वाला रिजल्ट। तो लेट्स गो। हाय फ्रेंड्स, ये देखिए मैं अपने फेस में अभी लगाऊंगी, उससे पहले अपने फेस को मैं धो लूंगी और इसके बाद ये है मेरा रेमेडी। इसे आप
मुझे लगाना है और इसका इंस्टेंट रिजल्ट दिखाना है। फ्रेंड्स, इसे आप चैलेंज के साथ ले सकते हो। आप जो पार्लर का फेशियल ले तो उससे फ्रेंड्स 100 गुना बेहतर रिजल्ट देगा। तो फ्रेंड्स, ये मैं धो रही हूँ, अपने फेस को अच्छे से धो लो। क्लीन फेस में इसे लगाना है। फेस में मेकअप या फ्रेंड्स मॉइस्चराइजर कुछ भी नहीं रहना चाहिए। फुल क्लीन कर लो अपने फेस को, उसके बाद ही इसे लगाओ। और इसे धोने, फेस को धोने के बाद थोड़ा पोज भी लो और पोज के तुरंत ही लगाओ, ताकि फेस में थोड़ा नमी रह जाए। फेस में नमी रहने के टाइम ही आपको इस पैक को लगाना है। तो इसे जैसे कि नॉर्मली हम लोग पैक लगाते हैं, ऐसे ही लगाना है आँखों के चारों तरफ। और फ्रेंड्स, होठ में इसे नहीं लगाना है, और नीचे से ऊपर की तरफ खींच खींच के फेस पैक को जरूर लगाओ। ऊपर की तरफ खींचोगे तो स्किन टाइट बने रहेंगे, और नीचे की तरफ आप खींच के लगाओगे तो आपकी स्किन लूज हो सकते हैं। तो इसीलिए हर वक्त फेस पैक को नीचे से ऊपर की तरफ खींच खींच के लगाना है। तो ऐसे आपको लगा लेना है। तो ये देखिए, मैंने लगा लिया है। अभी मैं इसे रखूँगी 20 मिनट के लिए। 20 मिनट बाद नॉर्मल वाटर से आपको इसे धो लेना है। मैं कैमरे के सामने हूँ तो मैं 20 मिनट नहीं रखूँगी, मैं तुरंत ही धो के आपको दिखाऊँगी। तुरंत वाला रिजल्ट देख के आप हैरान रह जाओगे। और इसे आप 20 मिनट रखोगे तो फ्रेंड्स आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। बहुत अच्छा असर ये देता है। तो चलिए अभी मैं इसे धो रिमूव करके दिखाती हूँ। मैं इसे चम्मच की मदद से रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि मैं कैमरे के सामने हूँ तो धोने में दिक्कत हो सकता है। तो पहले मैं चम्मच से इसे रिमूव कर लूँगी, उसके बाद पानी से इसे धो लूँगी। तो फ्रेंड्स, रनिंग वाटर से आपको इसे धोना है। तो चलिए अभी रिमूव करती हूँ, और रिमूव करती आपको दिखाती हूँ। मेरा स्किन टोन देखिए कितना लाइटन हो चुका, आप देख पा रहे हो। तो इंस्टेंटली मैंने जस्ट 2 से 3 मिनट रखा है फेस में इसे, और 2 से 3 मिनट का ये रिजल्ट है, आप देख पा रहे हो। तो बहुत असरदार है फ्रेंड्स। और इसे आप कंटिन्यू 20 मिनट रखते हो तो फ्रेंड्स ये बहुत बहुत स्किन टोन को लाइटन कर देता है। 1 से 3 शेड तो लाइटन इंस्टेंटली चुटकी में हो जाएगा किसी को भी। और ये आप लगातार यानी हफ्ते में 3 से 4 दिन इस्तेमाल करोगे तो फ्रेंड्स 1 से 10 शेड तक भी ये आपकी स्किन टोन को लाइटन कर सकता है। तो हुआ ना फ्रेंड्स पल्लर से भी ज़्यादा असरदार। तो पल्लर जाते हो तो कितना पैसा खर्चा कर लेते हो, उससे तो बहुत बेहतर होगा कि आप इसे लगा लो घर पे। देखिए मैं पोस्ट ही जा रही हूँ, और मेरा स्किन कितना ब्राइट हो चुका है इंस्टेंटली। तो चलिए ये मैंने उतार डाला है, अभी मैं इसे पानी से धोती हूँ। देखिए मेरा नेक का कलर, फेस का कलर, बॉडी का कलर कितना अंतर आया, देख पा रहे हैं। बहुत ब्राइट हो चुका है। सिर्फ 2 मिनट रखने के बाद ये रिजल्ट है, और 20 मिनट रखोगे तो फ्रेंड्स 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं जहाँ जहाँ से धो रही हुई हूँ इसे देखिए कितना ब्राइट हो चुका है। तो फ्रेंड्स अभी तो 1 लाइक बनता है, तो लाइक करते जाओ। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो प्लीज़ लाइक कर दो एक, और फ्रेंड्स शेयर करो इस वीडियो को। बहुत ही सिंपल सा रेमेडी था, पर बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। इसे जरूर ट्राई कर सकते हो, हर कोई ट्राई कर सकता है, मैन एंड वोमैन, हर कोई किसी भी एज के इंसान इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 16 साल से लेके कोई भी इंसान आप यूज़ कर सकते हो। तो आप देख पा रहे हो मेरा स्किन कितना ब्राइट हो चुका है, कितना ग्लो कर रहा है, इंस्टेंट रिजल्ट है। तो फ्रेंड्स इसे ज़रूर अपनाओ, घर पे ट्राई करो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज के लिए इतना ही, मैं फिर रिटर्न आऊँगी कोई अच्छे से ब्यूटी टिप्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।